नमस्कार, संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में चक्रवाती दबाव व दो द्रोणिका एक साथ सक्रिय होने से मई में ही सावन जैसी रिमझिम, जारी है पारे में गिरावट। झारखंड समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश जारी है। सुबह से दोपहर तक जहां तेज धूप रहती है, वहीं दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। शाम होते ही बारिश होने लगती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में हुई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वर्तमान में एक चक्रवाती घेरा उत्तर कर्नाटक के ऊपर कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा एक द्रोणिका दक्षिण केरल तक और दूसरी पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम बंगाल तक प्रभावी है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है, जिससे मौसम में परिवर्तन जारी है। बारिश और बादल के कारण झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम पारा 37.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का दर्ज किया गया। इसके अलावा रांची का अधिकतम पारा 35.4 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर का अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दर्शकों, मौसम विभाग में क्या होता है द्रोणिका, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बादलों के बीच जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। उस सिस्टम से निकलने वाली पट्टी को द्रोणिका कहते हैं। इसमें अचानक ही मौसम में बदलाव हो जाता है और तेज हवा के साथ बारिश होती है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए यूजीसी का निर्देश है कि मई में होने वाली ऑफलाइन एग्जाम स्थगित कर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करें विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अपने नए निर्देश में देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मई माह में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए कहा है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फिलहाल मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित की जाए। इसके अलावा यूजीसी ने स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को कहा है। आयोग ने इस संबंध में देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को लेटर भेजकर जानकारी दे दी गई है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि जून के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग में टायर और साउंड सिस्टम की दुकान में लगी आग, तीन दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। तिलिया रोड बरही स्थित प्रिंस टायर दुकान और चंदन साउंड दुकान के गोदाम में शुक्रवार की देर रात आग लग गई। इससे वहां रखे नए टायर जलकर राख हो गए, वहीं साउंड सिस्टम का सामान भी जल गया। दोनों दुकानों में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का स्पष्ट कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदेह जताया जा रहा है कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के 5973 नए मामले सामने आए, जिसमें से 136 मरीजों की इलाज के क्रम में मौत हो गई। इनमें से 38 मरीज रांची के थे। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 26, गिरिडीह में 10, धनबाद में 9, बोकारो में 8, देवघर व कोडरमा में 5-5, सिमडेगा में 4, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम व रामगढ़ में 3-3, चतरा, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा में 2-2, दुमका व साहिबगंज में 1-1 मरीज की मौत हुई। आप सबको बता देना चाहता हूं कि तीन जिला है जो कि पाकुड़, जमताड़ा व गोड्डा में एक भी मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बोकारो से 745 संक्रमित मिले, जबकि चतरा से 44, वहीं देवघर से 67, धनबाद से 196, दुमका से 46, पूर्वी सिंहभूम से 968, गढ़वा से 83, गिरिडीह से 220, गोड्डा से 73, गुमला से 159, हजारीबाग से 317, जमताड़ा से 100, खूंटी से 192, कोडरमा से 322, लातेहार में 157, लोहरदगा में 105, पाकुड़ में 110, पलामू में 197, रामगढ़ में 270, रांची से 970, साहिबगंज में 52, सरायकेला से 123, सिमडेगा में 130, पश्चिमी सिंहभूम में 327 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से रांची के अस्पताल में 5 मरीजों की मौत, जांच के आदेश दिए। झारखंड के रांची सदर अस्पताल से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां ऑक्सीजन सप्लाई में आई तकनीकी खराबी से 5 मरीजों की मौत हो गई। शुक्रवार को सदर अस्पताल में मॉक्स रेगुलेटर लीकेज के कारण अचानक फट गया। इससे करीब सवा घंटे तक आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। इस घटना के तुरंत बाद ऑक्सीजन फ्लो प्रेशर 50 से 12 तक पहुंच गया। कुछ ही समय में गंभीर स्थिति में वेंटिलेटर पर वो हाई फ्लो सपोर्ट वाले 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मैनी फ्लॉट पंचर होने की बात सामने आई है। हमने इस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत किया और उनके निर्देश प्राप्त हुआ है।
और उनके निर्देश के आलोक में हमने अपने सचिव को एक पत्र भेजा है। इसकी पूरी निष्पक्षता पूर्वक जांच होगी। यदि कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जांचकर्ता इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे देंगे ताकि भविष्य में इस घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।